हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजपेश टीआरसी टेक। तो चलिए आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं एएमडी के मदरबोर्ड में, ठीक है, जिसका मॉडल नंबर आप यहां पे देख रहे हैं B350AM4-1 है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली इसमें क्या है, हमारा जो प्रोसेसर है उसी से रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम आती है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और कौन सा प्रोसेसर इसमें सपोर्ट होता है तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों केयरफुली वीडियो को देखें और पूरा देखें, तभी आप जान पाएंगे कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं और कैसे इस मदरबोर्ड को डायग्नोस चेक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोसेसर है ये भी राइजन है और AMD राइजन 3200G है, ठीक है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे अपना एनालाइजर यानी डायग्नोस्टिक कार्ड भी लगा रखा है और इसी के साथ ये प्रोसेसर के ऊपर फैन रख लेते हैं क्योंकि AMD थोड़ा ओवरहीट हो जाता है जल्दी। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए हमने VGA केबल कनेक्ट कर रखा है, तो देखते हैं अब हमारा डिस्प्ले आता है ये नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो LED है ये भी स्टेबलिश हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी केस में देखते हैं हमारा डिस्प्ले क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हमारा डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रोसेसर लगा लेते हैं क्योंकि अभी तक डिस्प्ले यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोसेसर भी AMD Ryzen 3 Pro है बट यहाँ पे 2200G है, ठीक है। तो यानी कि प्रोसेसर दोनों ही सेम है बट थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे कि ये 2200 सीरीज है और वो 3200 की सीरीज है, ठीक है, कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों ये सीरीज का भी लगा के चेक कर लेते हैं। एक दो बार प्रोसेसर का जो सॉकेट है उसको मूवमेंट करते हैं, जो कि पिने हमारी तिरछी होती हैं वो अलाइनमेंट में आ जाती हैं, यही उसमें थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। तो चलिए ये भी स्टार्ट कर लेते हैं हम और देखते हैं हमारा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं है। एक बार TFT की तरफ को दिखाइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो दोस्तों इस केस में मोस्टली आप समझे कि प्रोसेसर एक ही सीरीज का होता है, एक ही उस पर लिखा हुआ था है Ryzen Pro 3, बट क्या है ये अलग अलग सपोर्ट करता है। बस इस वीडियो में इतना ही आप जान पाए कि जो 3200 जहाँ पे आपका सपोर्ट होता है वहाँ पे 2200 आपका सपोर्ट नहीं होगा, और जो जहाँ पे आपका ये 2200 सपोर्ट होता है जैसे आप देख रहे हैं इस प्रोसेसर में 3200G है, ठीक है, थोड़ा जूम करो। दोनों ही Ryzen है बट यहाँ पे देखिए सीरीज का अंतर होता है, 3200G है तो इस मदरबोर्ड में जो B350AM4-M है इसमें केवल हमारा 2200G वाला प्रोसेसर सपोर्ट होता है। तो बस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप जान पाएं कौन सा सपोर्ट प्रोसेसर इसमें मदरबोर्ड में होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।